जे जितने नए नए दुपट्टा डारे बैठी हैं, हाँ, जे नई नई साड़ी ओढ़ के आई हैं, और जे जितने बैठे हैं यादव लोग पंडाल में, हाँ, सब अंधेरे में भटक रहे, अंधेरे में कहाँ कहे वो चांद का नहीं अंधेरे में, मतलब तो सुनो, हाँ लाला अंधेरी दुनिया भूले भुलैया मैं भुलानी जे अंधेरी दुनिया भूले भुलैया मैं भुलानी जे अंधेरी दुनिया भूले भुलैया मैं भुलानी जे अंधेरी दुनिया भुलानी जे अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया बाबा लाला मुफ्त में मिल रहो ओ मुना मुझे लाते व्यंग उठा दिए इतने भटक रहे हैं जे हाँ मुफ्त में मिल रहो ओ मुना मुझे लाते व्यंग उठा दिए मरे गड़े पर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे जे अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी बाबा लाला और जे जे पढ़ी लिखी बैठी पढ़ी लिखी हाँ हाँ इनकी बात बता 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 साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी निशाचर के भी ये पढ़ी लिखी लड़कियों की बात बता साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी निशाचर से भी ओ ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूज संतोषी देवी जे अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया अब जे पढ़ी लिखी कौन की पूजा करते हैं बाबा हाँ किनकी संतोषी देवी संतोषी मैया और ये संतोषी कब ते चली कब ते चली जब ते जब फिल्म चली जाते पहले हाँ जखो नाम ना आए तो जब से फिल्म चली संतोषी पूजिया गली गली ध्यान रखना लोगों ये पढ़ी लिखी लड़कियां संतोषी की पूजा कर रही हैं पढ़ी लिखी होकर के भटक रही हैं ये अभी यादव शनाप सर्वेश कुमार यादव जी सौ पुष्प मुद्राएं छोटा सा बालक देकर के गुरुदेव जी को सम्मान कर रहा सद्बुद्धि प्रदान करें अपने माँ बाप का नाम रोशन करें मेरे भाइयों ये पढ़ी लिखी लड़कियां सच्ची देवी को नहीं जानती सच्ची देवी एक पढ़ी लिखी लड़की गोने में आई गोने में बाकी सासुर 90-95 साल की न मुंह में दांतन पेट में आंत बस सासु आई बोलिए जाइए एकदम से लड़की बोली क्यों मम्मी सास बोली हमारे गांव में जो नई बहू आते गांव के बाहर संतोषी को मंदिर है पहले बस देवी को भोग लगाते तब चौका में जाते लड़की पढ़ी लिखी थी लेकिन बोली नहीं कि मैं घूमने में आई हूं अगर कुछ कहूंगी तो ये गोने में मोचा लगी हाय 90-95 साल की बुढ़िया न मुंह में दांत न पेट में आंत बाने थाली सजाई रोरी धर ली हल्दी रख ली चावल रख ली अगरबत्ती मच्छ रख ली
चौमुखा दिया जलाए रहो घी को और पांच रसगुल्ला बन सफेद वाले कटोरी में धरो कई चल बहू अंगेला अंगेला डुकरिया पिछेला पिछेला बिटरिया जो मंदिर के पास आई और मंदिर के कंगूरा पे दो पत्थर के शेर बने मुंह फाड़े पत्थर के जो लड़की ने शेर देके एकदम झपटी और बन सास कोरिया भले अम्मा हम बचा मैया मोय बचा अम्मा मोय बचाओ एकदम सास बोली बात बता बात बता बात का बहू कान लगी अम्मा जी शेर हमें खाए गई सास कान लगी डरपोक बाप की बिटिया है ये पत्थर के शेर हैं पत्थर के शेर ना खा लड़की बोली मम्मी पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाइए कब पत्थर की देवी रसगुल्ला खाइए और रसगुल्ला बन उठाओ सास को मुंह में दांत ना रहे बन रसगुल्ला लाओ सास के मुंह में घुस दो ओ कहीं चलो मेले तो तुम्हारी संतोषी देवी हो और ये भैया कंचन सिंह जो बहनाओं को एक एक टिफिन 11-11 पुष्प मुद्राएं वो गुरुदेव जी को 101 पुष्प मुद्राएं और सभी स्टाफ को 51 पुष्प मुद्राएं मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है और बोली बहू शेर तुमने जायो बिहाई के मोह ले आयो शेर एक तुम हम कहां बोल रहे तू बज जाओ शेर एक तुमने जायो बिहाई के मोह ले आयो शेर एक तुमने जायो बिहाई के मोह ले आयो मैया तुमने एक ऐसा शेर पैदा करो दूल्हा बन के आओ हमें दुल्हन बन के ले आओ मेरे ने तुम्हें शेरों वाली हो और दूसरो रसगुल्ला लो सो दुकरिया के मुंह में घुस दो कहीं चलो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी और बाबा ये घूंघट मारे बैठे न की बात बताएं हाँ लाला सुनो बताओ जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके धावे जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे सास के बहू के पानी ले आइए तो जे गाती सबे से खरी खाई गई जो दुकान से लगी जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे जिंदा पर रोटी ते मर गए तेरा भी करावे के अंधेरी दुनिया भूले भुलैया में बुलानी ये अंधेरी दुनिया भूले भुलैया में बुलानी ये अंधेरी दुनिया एक बात और बताऊं भक्तों ये तेरे में करो कर तो तेरे में बिल्कुल बंद करो हमारी मैनपुरी इटावा में तेरे बंद है जखू लिखी ना है तेरे में तुम्हें लूटवे के लिए लोगों ने बनाई धर्म के ठेकेदार ने जब गिद्ध पांत करो कर तो तुम जब गिद्ध पांत बंद करो
अगर तेरहवीं होती राजा दशरथ मर गए, राम चित्रकूट से लौट के तेरहवीं करते तब वन को जाते। अगर तेरहवीं होती तो महाभारत में इतने मर गए, काउ को काउ तेरहवीं होती किसी की नहीं हुई। इसलिए भक्तों जब गिद्ध पंत बंद करो, तेरे दान बनियाई घूम रही मोफार, ओ कक्का खाई ले काल ने तेरे ने परवार, तेरे ने परवार हुई ओ कर्जा भारी, भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरबारी। कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भूरई, ओ चाय कछु हो जा कभी न करो तेरे। ये गिद्ध पंत बंद करो। इसलिए बाबा राम राम सा हमारे मेहमान राम किशोर जी, नगला मथुरी के 11 समुद्रा देकर हमें सम्मानित करते हैं लोगों। ये अभी से नहीं, 20 साल हो गए, ये हमेशा सम्मान करते रहे। इतनी पुण्य आत्माएं, परमात्मा सदा इनको हर मंजिल पे पहुंचाते हुए आत्मरक्षा के साथ साथ ये समाज की भी रक्षा करते रहे। मेरा आशीर्वाद है मेरे भाइयों। भगवान कहने लगे बाबा हाँ लाला, अगर अध्यात्म भाव से देखा जाए तो हम सब का माल्य गोवर्धन है। गोवर्धन गोवर्धन